तो मैं ही बोल रहा था आपको कि चैप्टर जो 16 है, चैप्टर 16 आईपीसी का और चैप्टर 6 बीएनएस का दो मुख्य भागों में हमने इसे बांटा था। एक तो था जो ऐसे अपराध जो ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करें, पर ऐसे अपराध जो बॉडी को प्रभावित करें, लाइफ को नहीं, यानी कि इसमें सीरियस प्रकृति के हीनिस प्रकृति के ऑफेंस मिलेंगे और यहाँ पर कम ग्रीवियस प्रकृति के ऑफेंस होंगे। तो हीनिस है तो इसीलिए यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, डेथ है, और या फिर मृत्यु के लिए अवेटमेंट है, या फिर मर्डर के लिए अटेम्प्ट है, और ये नए इसमें ऑफेंस या सेक्शन जुड़े हैं जो पहले आईपीसी में नहीं थे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, इसमें जो जो बॉडी को प्रभावित करने वाले ऑफेंसेस हैं वो है आपका हर्ट का, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उपहति हो सकती है, सदोष अवरोध या परिरोध हो सकता है, क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट हो सकता है, किडनैपिंग एबडक्शन हो सकता है, ये सारे इसमें हैं। पहले इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ अन्य भी ऑफेंसेस आया करते थे जो अब इसमें नहीं है, जैसे वुमेन के खिलाफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड रेप इसमें आते थे, अब नहीं है, इनको अलग से एक चैप्टर बन गया है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड बीएनएस चैप्टर नंबर 5। तो उसमें सब रेप पहुंच गया है, डॉली डेथ पहुंच गया है, चाइल्ड के रिगार्डिंग वहां पहुंच गया है। तो इसीलिए हम ये कहें कि ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी से संबंधित सारे ऑफेंस इसमें आ गए हैं, ऐसा नहीं, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस भी है जो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी तो है परंतु इसका पार्ट वो नहीं है, वो दूसरे में पहुंच गया, इसका वो पार्ट नहीं है। तो अब हम स्पेशली ये हमने समझ लिया इंट्रोडक्शन कि कैसे हमने इस पूरे चैप्टर से इसको दो भागों में बांटा। अब एक एक करके हम समझेंगे, जैसे पहले कल्पेबल होमिसाइड। तो कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात की जाए तो कल्पेबल होमिसाइड ये आपका कहां से कहां तक है, सेक्शन 100 से शुरू होता है, इसको मिटा देते हैं, कल्पेबल होमिसाइड आपका सेक्शन 100 में है, है ना? 100 के अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन दी है कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होगा। तो इसकी पहले डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी ऑफेंस के लिए दो चीजें आवश्यक होती है, किसी भी ऑफेंस के लिए एक होता है मेंस रिया और एक होता है एक्टस। किसी भी अपराध को बनाने के लिए आवश्यक है कि कार्य भी हो और आशय भी। तो फॉर ऑफेंस एक्ट या एक्टस रियस भी लिख सकते हैं, एक्ट प्लस मेंस रिया दोनों का होना आवश्यक। तो हम सेक्शन जो 100 है यानी कि कल्पेबल होमिसाइड है, इसमें भी एक्ट भी होगा मेंस रिया भी होगा। सेक्शन 100 के अंतर्गत जो मेंस रिया शब्द को दर्शाते हैं वो दो है, सेक्शन 100 के बारे में बात करें स्पेशली, एक है इंटेंशन, एक है नॉलेज। इंटेंशन और नॉलेज, यानी कि यहां पर यदि सेक्शन 100 में हमें कल्पेबल होमिसाइड लाना है तो एक्ट चाहिए और इसके साथ साथ हमें इंटेंशन या फिर नॉलेज कुछ ना कुछ चाहिए। अब एक्ट कैसा है सेक्शन 100 के अंतर्गत, तो इसमें लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है बाय डूइंग एक्ट, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करके, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य एक्ट, ऐसे नहीं चल 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 लग गए, ऐसे नहीं तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं लगेगा। कल्पेबल होमिसाइड के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, दो तीन चीजें हैं, मृत्यु तो होनी ही चाहिए पहली चीज, एक्ट भी होना चाहिए,
दूसरी चीज, और तीसरी मैं जो सोच रहा हूँ साशे से होना चाहिए, है ना, एक्सीडेंटली नहीं। तो जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है किस आशय से, तो बोल रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। जो आपने मृत्यु कारित की है किसी व्यक्ति की, वह मृत्यु के आशय से कार्य होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को मारा है, हाँ मारा, कैसे मारा है, मृत्यु के आशय से कार्य किया था ऐसे मारा है। तो पहले वाले में यदि मैं सेक्शन 100, यदि मैं सेक्शन 100 के फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं, तो एक्ट प्लस इंटेंशन, इंटेंशन है ना, या फिर हम बोले इंटेंशन है प्लस एक्ट है टू कॉज डेथ। मेरा आशय है, उस आशय से ही मैंने कार्य किया है, और जो मेरा आशय है कार्य करने का, वो मृत्यु कारक करने का टू कॉज डेथ। आपने कोई कार्य करके मारा, हाँ मारा, वो कार्य किया था किस आशय से किया था, मृत्यु के आशय से किया था। तो कल पे बिलोंग है, तो देखिए शॉर्ट में इंटेंशन टू कॉज डेथ। यदि आपका आशय है, एक्ट तो चाहिए ही चाहिए, एक्ट तो समय चाहिए, तो इसलिए एक्ट नहीं सीधा सा लिखा, इंटेंशन है, हाँ साथ है, किसका इंटेंशन है, मृत्यु के आशय से मैंने मारा था पत्थर फेंक के, ध्यान दो। यदि आपने एक्ट किया मृत्यु के आशय से, कल्पेबल होमसाइड, ध्यान रखना सेक्शन 100 का फर्स्ट पॉइंट और आईपीसी की धारा 299 का फर्स्ट पॉइंट। यद्यपि यहां 1-2-3 क्लॉज क्लासिफाइड नहीं है, ऐसा है नहीं, पर हमने अध्ययन को थोड़ा सरल बनाने के लिए क्लासिफाइड कर दिया। तो हुएवर कॉजेस डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये भी हो सकते हो, सीधा सीधा मैं मार रहा हूं पत्थर फेंक के। अब मेरे आशय दो हो सकते हैं, मेरे आशय दो हो सकते, क्या पहला मेरा, हाँ मैं जल्दी अब सपोज करो मेरा आशय है क्या इनको मारने का, तो मैंने मारने के आशय से पत्थर उठाया मार दिया इनको, किस आशय से मारा था, मारने के आशय से, तो कल्पेबल होमिसाइड की, पर मेरा आशय मारने का था ही नहीं, मेरा आशय क्या था, मेरा आशय क्या था, चोट पहुंचा, बॉडी इंजरी कारित करने का, शारीरिक क्षति कारित करने का, दोनों में अंतर है। एक तो सीधा सीधा मेरे मृत्यु कारित करने का आशय, अब मेरा मृत्यु का आशय नहीं है पर आशय है बॉडी इंजरी का, तो देखिए दूसरे में क्या लिखा है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी, परंतु बॉडी इंजरी कैसी है, ऐसी बॉडी इंजरी है कि इससे मृत्यु होने की संभावना। तो इसलिए आईपीसी के 299 के सेकंड या फिर बीएनएस के 100 के सेकंड में लिखा है, हूएवर कॉजेस डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, नहीं खड़े हो, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, मैंने, अब यहीं से समझिए, मैंने जो बॉडीली इंजरी कारित की वो ऐसी थी, सच बॉडीली इंजरी थी, जिसके ध्यान से आगे आ जाना समझ में आना चाहिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर। मैंने इंटेंशन था, एक्ट तो ये किया, एक्ट था मार मारना, आशय था बॉडी इंजरी का, परंतु बॉडी इंजरी ऐसी थी कि उससे मृत्यु होने की संभावना थी, और बड़ी कुछ नहीं, बस मेरा आशय था बॉडी इंजरी, शारीरिक क्षति कारित करने का, और ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, इज लाइकली टू कॉज डेथ, क्या लाइकली टू कॉज डेथ था, हाँ साहब था, तो भी आप कल के होमिसाइड के लिए जाएंगे। हिंदी की बात करूं, हिंदी जरा पढ़ूंगे तो,
जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से पहला हो गया या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से। आशय क्या है? ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित हो जाना, जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है। आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की है कि मृत्यु हो जाना संभाव्य, तो भी आपने कल पे लॉन्ग साइड। तीसरे में बोल रहे हैं आपका आशय नहीं है, आशय ना तो सब मृत्यु का है और आशय ना ही आपका बॉडी इंजरी का है। आशय ना तो मृत्यु का है और आशय ना बॉडी इंजरी का है, तो भी क्या आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए दाई हो सकते हैं? हाँ साहब हो सकते। कब? यदि आपने एक्ट किया हो, और एक्ट कैसा किया हो कि आपको नॉलेज है कि एक्ट ऐसा है कि मुझे ज्ञान है कि इससे मृत्यु होना संभव है, जहर दे के मार दो। तो थर्ड में उन्होंने बोला विद द नॉलेज, तीसरे में लिखा है यह कार्य से मृत्यु की गई और यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। तो तीसरे में देखिएगा एक्ट हुआ, एक्ट के साथ नॉलेज है मुझे कि इससे मृत्यु होना संभाव है। यहां पर देखो, इधर देखेंगे ध्यान से, इधर फोकस करो। सेक्शन 100 को हमने तीन भागों में बांटा, सेक्शन 100 को हमने तीन भागों में बांटा। सेक्शन 100 का पहला है बोल रहा है इंटेंशन है कॉज डेथ का, दूसरे में इंटेंशन है बॉडीली इंजरी का, डेथ का नहीं है ध्यान रखना, बॉडीली इंजरी का पर उससे मृत्यु होना संभव है तो भी कल्पेबल होमिसाइड। तीसरे में इंटेंशन नहीं है परंतु एक्ट है और नॉलेज है, यानी कि नॉलेज प्लस एक्ट और लाइकली टू कॉज डेथ है, यदि ऐसे एक्ट से मृत्यु होना संभाव्य है और आप